नमस्कार दोस्तों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हमारे में हड्डियों से रिलेटेड बहुत कमेंट आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी हड्डियों में ये कमज़ोरी है, हमारी हड्डियों में वो कमज़ोरी है, पीठ की हड्डी कमज़ोर है, डॉक्टर ने हमारी हड्डियाँ कमज़ोर बताई हैं। तो ये इसका कारण क्या है, उपाय क्या है, कैसे हम ठीक करेंगे, कैसे जानेंगे कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, इन सभी विषयों को लेकर के आज मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम प्रदीप है, नमस्कार। सबसे पहले हम बताएंगे कि हम कैसे जाने कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। तो इसको जानने का सबसे पहला कारण है कि हड्डियों में आवाज़ आना। जैसे कि हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो किसी की मैंने देखा है, चट 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 जैसे ही चढ़ते तो चट चट की आवाज़ आती, चट चट की आवाज़ यदि आ रही तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, हड्डियों में गैप है, ठीक है। दूसरा क्या है कि चलने में दर्द भी होना, चलते चलते में हड्डियों में दर्द हो जाना, ये हड्डियों की कमज़ोरी का लक्षण है। और हड्डियों में गैप हो जाना, जैसे कि ऐसे ऐसे करो तो ये हड्डियों में खटर 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 ऐसे ऐसे करने से मैंने देखा है, तो ऐसे ऐसे करने से ये गैप होता है, वो अलग अनुभव होता है, गैप हो जाना भी ये। और हड्डियों में अकड़न, इससे भी पता लग जाता है, और इससे भी मतलब हड्डियों कमज़ोर होने का कारण, और रूखापन, सूखापन लगना, रूखापन भी, और उठने बैठने में परेशानी तकलीफ़ होना, ये यदि लक्षण हैं तो आप जान लीजिए कि आपको हड्डियों की समस्या है और आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, ठीक है। अब इसको मैं ये बताऊं कि ये होने का कारण क्या है, तो कारण है सबसे बड़ा हमारे खान पान की बिगड़ी हुई व्यवस्था। बिगड़ी हुई व्यवस्था कैसी, देखिए कुछ लोग भोजन करते हैं जीवन चलाने के लिए, ठीक है, और कुछ लोग भोजन करते हैं अपनी जीभ के स्वाद के लिए। तो जो भी जीभ के स्वाद के लिए जो भोजन हो रहा है वो सिर्फ आपको बीमारियां ही ला रहा है। उदाहरण दे दें दो चार, जैसे कि पैकेट फ्रूट फूड जो भी है, पैकेट फूड में क्या होता है, एक मैंने इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि पैकेट फूड खाने से क्यों नहीं खाना चाहिए पैकेट फूड, इसका मतलब इसी में जोड़ते हुए मैं बता रहा हूँ कि इसमें एक वीडियो है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, उसको आप देख करके उसको भी जरूर देख लें, क्योंकि उन पैकेट फूड में कौन कौन केमिकल होते, क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, उसमें मैंने उस चीज़ का वर्णन किया, तो इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लें। और इसके बाद मैं बात को आगे बढ़ाते हुए, पैकेट फूड में जिसको हम जंक फ्रूट कहते हैं, तो जंक फ्रूट में क्या होता है कि इसमें तो कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू तो होती नहीं है, पहली बात, जो हमारे शरीर को पोषण करे। दूसरी, केमिकल भरे होते हैं, क्यों भरे होते हैं, वही बात आई, क्यों भरे होते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट, सारी बातें मैंने उसमें वीडियो में बताई हुई, सारा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, देख लेना। उसमें मैंने बताया है कि ये मतलब उसके पीछे मिलाने का कारण क्या है, उसकी ज़रूरत क्या होती है, केमिकल मिलाने का हमारे शरीर में क्या साइड इफ़ेक्ट, इन बातों का विषय उसमें है, आप देख लेना। तो मतलब ये है कि एक तो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती जो हमारे शरीर में काम आए, पहली बात। दूसरी बात ये है, रखे हुए भोजन है तो रखा हुआ भोजन में तो प्रोटीन तो वैसे ही कम हो जाने वाली है, ये निश्चित है। तीसरी बात ये है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक का भी मैंने एक वो डाला हुआ है वीडियो, कोल्ड ड्रिंक जो है वो हमें किस प्रकार से हमारे शरीर में नुकसान करती है वो भी आप देख लें। तो ये कोल्ड ड्रिंक में कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू ना होने के कारण इनको पेट तो ये लगता है कि हाँ हमारी भूख चली गई, लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू शरीर को हमें जो चाहिए वो मिली नहीं, तो शरीर तो जैसे का तैसा रहा लेकिन भूख खत्म हो गई। अब इससे क्या होता है कि अब शरीर को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो शरीर के ही ब्लड या हड्डियों से निकालेगा, तो इससे हड्डियां कमज़ोर होगी, क्योंकि भोजन से एनर्जी चाहिए वो मिली नहीं, तो हड्डियों से निकालेगा, तो इससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो कोल्ड ड्रिंक का क्या नुकसान है, किस प्रकार से इसमें क्या क्या केमिकल होते हैं, इसके भी विषय में मैंने विस्तार से चर्चा की है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, इसको भी देख लेना,
ठीक है। तो इसके बाद ये जंक फ्रूट खाने से होता है। दूसरा, कुछ लोगों को मैंने देखा है नमक अधिक ऊपर से खाते हैं, तो इसमें क्या है कि नमक यदि अधिक खाओगे तो सोडियम क्लोराइड तो होता ही है, तो ये हमारी हड्डियों को कमजोर गलाता है। सब जानते हैं नमक जितना हमें चाहिए है उतना ही खाना चाहिए, जो हमें स्वाद भगवान ने ऐसा सिस्टम बना के भेजा है कि उतना ही नमक चाहिए होता है जितना कि ये जीव हमारी आदेश देती। जीव में एक बहुत बड़ा सेंसर भगवान ने लगाया जिसको कोई भी वैज्ञानिक पकड़ नहीं पाया। जीव में बहुत बड़ा सेंसर है, ये हमें ये बताता है कि हमें कौन चीज़ कितनी खानी है। जैसे कि उदाहरण, चाय में चीनी ज़्यादा पड़ जाती है तो लगता है कि अरे बेकार चाय, इतनी चीनी नहीं होनी चाहिए, तो वो कितनी चाहिए वो जीव खुद आपको बता देगी और आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी, वाह क्या बात है। तो इस प्रकार से ये सेंसर है, जीव बहुत बड़ा सेंसर है, तो ये सेंसर बता देता है आपको कि कौन सी चीज़ ज़्यादा है कौन सी कम है। तो जब नमक कम खाते हैं, अच्छा आदत बिगाड़ने की मैं ठेका नहीं ले रहा हूँ, पहले बता दूँ, अभी किसी ने आदत ज़्यादा खा खा करके बिगाड़ ली, क्योंकि जीव तो हर शरीर का ये नियम होता है कि जो चीज़, पहली बात तो शरीर मना करता है चीज़ को कि आप यहाँ मत जाओ, और जब तुम मानते ही नहीं हो जाने को तो वो फिर शरीर उसको फिर उसको सहन करने की क्षमता धारण करने लग जाता है ताकि उससे लड़ सके। जैसे कि उदाहरण दे दें, आप कहीं एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा हो, ठीक है, और वहाँ से आप निकलो तो आपको एकदम मूड खराब हो जाएगा और नाक मुंह बंद करते हुए जल्दी भागते हुए जाओगे। और मैंने अलीगढ़ में एक ऐसा तालाब देखा जहाँ मरा हुआ सड़ा हुआ मांस पड़ा रहता है, और वहाँ पर रहने वाले लोग बड़े खुश रहते, उनको कुछ नहीं होता है। मैं एक बार जा रहा था लीला करने, मैं वहाँ से निकला तो हमें कम से कम 3 किलोमीटर दूर से हमारे इतनी बुरी बदबू आई तो सब लोग परेशान हो गए। और 3 किलोमीटर आगे माने 6 किलोमीटर का मतलब, जब DCM खूब भगाई तेज तो 7 मिनट तो लग ही गए क्योंकि ट्रैफिक वगैरह था। तो हम लोगों की जो हालत हुई, अब हम लोगों की तो ये हालत हुई, और जिनकी ज़िंदगी वहाँ कट गई तो कैसे कटी। माने वो उस गंध को तो पहले तो मना किया, लेकिन उसको फिर उस शरीर ने धारण कर लिया तो फिर उसी में भी जीने लग गए। दूसरा, टट्टी की बास बहुत बुरी आती है, कोई टट्टी के पास नहीं जाता, लेकिन डॉक्टर लोग क्या करते हैं उसी को टेस्ट करके उसका रिपोर्ट देते, तो उनको गंध आती है, आती है कितने दिन आती है, 8 दिन 10 दिन बस, फिर उसी में बदल जाते हैं उनको गंदा नहीं बंद। तो इस प्रकार से शरीर भी है। तो आदत बिगाड़ने का विषय मैं चला रहा था, तो आदत बिगाड़ने का मतलब ये है कि अगर जो आपने अपनी आदत बिगाड़ करके नमक ज़्यादा खाना शुरू किया या ज़्यादा मीठी चाय चीनी ज़्यादा खानी शुरू की, तो वो उसकी मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यदि सच्चाई ये है कि जीभ एक ऐसा सेंसर सब बता देता, दाल में नमक कितना चाहिए वो जीभ बता देती, तो उतना ही खाएं। अब कुछ लोग ज़्यादा खाते, ज़्यादा नमक खाओगे हड्डियाँ गलेंगी, एक तो ये रहा। दूसरा क्या है कि बच्चे क्या होते हैं कि बैठे बैठे गेम खेलते रहते हैं मोबाइल में, कंप्यूटर मोबाइल में गेम खेलते रहते हैं, टीवी में गेम खेलते रहते हैं और कार्टून देखते रहते और खेलने नहीं जाते। पहले हम लोगों के ज़माने में क्या था, हम लोगों के पास ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नाम पर कुछ नहीं था, ज़्यादा एक रेडियो हुआ करता था बस, इससे अलावा कुछ नहीं। टीवी हम लोगों के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट, और क्या कहते हैं वो बिजली के अभाव होने के कारण वो भी नहीं होती थी, तो टीवी का हमारा हम लोगों को कोई वो नहीं, तो उसमें क्या करते थे, तो टाइम तो पास करना है तो हम लोग कबड्डी खेलते थे, कहीं कुछ खेलते थे, तो ऊधम करने वाले दौड़ धूप वाले बढ़िया से हम खेल खेलते थे। कबड्डी है, पेड़ पे चढ़ के ये भी खेलना, ये सब होते थे। तो इससे क्या होता था, मैं 5-5, 6-6 फुट ऊपर से कूदता था, पहले थोड़ा कूदा फिर ऊपर से कूदा फिर कूद जाते थे, और हर बच्चों का यही रूटीन वर्क होता था, रोज दोपहर में ऐसे खेलते थे, और आज तक बच्चों की हड्डी नहीं टूटी। क्यों नहीं टूटी, क्योंकि कूद कूद करके हम लोगों ने हड्डियां मजबूत कर ली, क्योंकि शरीर धारण कर लेता है। हालांकि पहले एक आध दिन दर्द होता है, जैसे कूद गए रात में दर्द हुआ झेल गए, खेल के आगे ध्यान नहीं, कितने दिन दर्द होगी, 2-4 दिन फिर मजबूती पकड़ लेती, उसी हिसाब से बदल जाती है। तो ऐसे हम लोगों ने अपने ये खेल खेले तो इससे हमारी हड्डियाँ मजबूत हो गई।
तो ऐसे खेल खेलने से हड्डियां मजबूत होती हैं, और यदि बैठ करके गेम कंप्यूटर और ये सब करोगे तो इससे हड्डियां कमजोर होंगी। और कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से भी होती है। और अगर जो जठराग्नि कमजोर है, इसका भी बहुत बड़ा विज्ञान है। अगर जो हम भोजन करते हैं, भोजन में क्या होता है, जठराग्नि उसको पचाती है, और पचा करके उसमें क्या कहते हैं, भोजन को रस में बदल करके फिर वो जो 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 हमें चाहिए है वो सब बना करके तैयार करती है। अगर जो हमारा भोजन ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो उसमें हमारा भोजन जो दे सकता है वो हमें दे नहीं पाएगा, हमारी से हड्डियाँ कमजोर होगी। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है किस प्रकार से भोजन अच्छा डाइजेस्ट होता है। तो आप 1.5 घंटे बाद पानी पी करके अच्छे भोजन भोजन को अच्छी तरह डाइजेस्ट कर सकते हैं। और इस प्रकार से, और जो है ना, मेनोपोज में भी ऐसी समस्या आती है। मेनोपोज का मतलब जिन माताओं की एज 45 से 50 के बीच में आ गई है और उनका मानसिक मासिक पीरियड समाप्त होने के दायरे में है, तो उस समय उनके हार्मोन सब बिगड़ते हैं और उस बिगड़े हुए हार्मोन्स में ये समस्या आती है। तो उनके लिए भी मैं बताऊंगा। अब ये क्या है, और शराब पीने से, और एक सोडा पानी आता है, सोडा पानी बिकने लगा है आजकल मार्केट में। मार्केट तो हमारा सब कबाड़ ही किए है। सोडा पानी जो आता है ये भी पीने से मतलब हमें समस्या बनती है। इसलिए अब ये रहे कारण, अब इसके लिए मैं उपाय बता दूं। उपाय ये है कि आप एक तो तिल बहुत खाइए, आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। दूध के सारे प्रोडक्ट, दूध दही घी आदि आदि आप खाइए। कब कहूँ किसको खाना है ये मैंने बताया हुआ है, इसका नियम भी है, सब जानते हैं। दूध शाम को, दही मट्ठा सुबह से दोपहर तक, घी 24 घंटे किसी भी टाइम ये ले सकते हैं। और शहद हम खूब अच्छी तरह ले 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 सकते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, अब इसके लिए एक चीज़ और बता दे, अगर जो जिसकी हड्डियां ज़्यादा कमज़ोर हो, तो 4 दिन में जो मैंने रिजल्ट देखा उसको मैं बता दूं, गेहूं के दाने के बराबर हमने चूना लेना शुरू किया। हमारी भी हो गई थी, ऐसी नहीं है, क्योंकि हम भी इसी पर्यावरण में पल रहे हैं, हमारी भी हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, गेहूं के दाने के बराबर चूना मैंने 4 दिन लिया। 4 दिन चूना लेने के बाद जो हमारी ये उंगली ऐसे करने से खटखटाती थी और ऐसे खींचने से चटकती थी, चटकनी खटखटानी सब बंद हो गई, और दांत में दर्द था वो भी खत्म हो गया। हड्डियों का सारा दर्द खत्म हो गया। इस प्रकार से मैंने अपना इलाज किया। और ये कैल्शियम युक्त, जैसे केला है खूब खाएं, आम खूब खाएं, अमरूद खूब खाएं, कोल्ड ड्रिंक कभी ना पिएं, इस प्रकार से यदि आप करेंगे आपके लिए बड़ा ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि हड्डियों के विषय में अच्छी तरह बताने में तो वैसे ही होता है भाई, क्षमा चाहूंगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते, नमस्कार, जय हिंद।